मॉर्निंग न्यूज़, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक विद्युत रासायनिक सेल का निरूपण कैसे किया जाता है, यानी ये जो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, एक विद्युत रासायनिक सेल है, इसका रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से किया जाता है। विद्युत रासायनिक सेल का निरूपण कैसे किया जाता है, हाउ ए सेल इज रिप्रेजेंटेड। किसी विद्युत रासायनिक सेल के रिप्रेजेंटेशन के लिए सर्वप्रथम हम करते क्या है कि एनोड और कैथोड को देखते हैं। एनोड को हमेशा बाईं ओर और कैथोड को दाईं ओर लिखा जाता है। एनोड इज रिटेन इन लेफ्ट एंड कैथोड इज इन राइट। लेफ्ट पोर्शन में हम लोग रखते हैं हमेशा एनोड को और राइट पोर्शन में हमेशा हम लोग रखते हैं कैथोड को, यानी एनोड को बाईं ओर और कैथोड को दाईं ओर रखा जाता है। प्रश्न ये उठता है कि किसके बाईं ओर और किसके दाईं ओर। इसमें हम लोग एक पैरेलल चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो दो पैरेलल जो ये चिन्ह है, ऑब्लिक के चिन्ह, पैरेलल जो चिन्ह है, दो पाई दो चिन्ह, इस पैरेलल चिन्ह के ठीक बाईं ओर हम लोग एनोड रखते हैं और दाईं ओर हम लोग कैथोड रखते हैं। यानी इस तरफ लिखेंगे हम लोग एनोड को और इस तरफ लिखेंगे कैथोड को। एनोड को हमेशा बाईं ओर, कैथोड को हमेशा दाईं ओर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एनोड और कैथोड को अलग करने के लिए इस पैरेलल चेन का लोग इस्तेमाल करते हैं। एनोड एंड कैथोड इज सेपरेटेड जो पैरेलल लाइन है, इसके बाईं ओर हम लोग एनोड लिखेंगे और दाईं ओर हम लोग कैथोड लिखेंगे। इस चर्चा हम लोगों ने अभी तुरंत की पिछले पहले पॉइंट में, यानी एक पैरेलल चिन्ह होगा, इसके बाईं ओर एनोड और दाईं ओर कैथोड। कैसे पहचानेंगे हम लोग एनोड को और कैथोड को, हम लोग देखेंगे कहां इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। जहां इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं और वो एनोड की तरह कार्य करता है। यहां इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, उसे हम लोग रिडक्शन कहते हैं, और वो कैथोड की तरह कार्य करता है जहां पर यह प्रक्रिया संपन्न होती है। यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो एनोड और इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होगी तो कैथोड की तरह वह कार्य करेगा। धातु और उसके आयन को एक सिंगल चिन्ह ऑब्लिक की तरह का निशान से अलग किया जाता है। मेटल एंड इट्स आयन आर सेपरेटेड बाय एक सिंगल लाइन, एक ऑब्लिक चिन्ह का प्रयोग करेंगे मेटल और उसके आयन। जैसे मान लीजिए हमें जस्ता और Zn2+ को लिखना है तो इसको सेपरेट करने के लिए हम लोग एक सिंगल चिन्ह का यहां इस्तेमाल करेंगे। तो मेटल और उसके आयन के लिए एक सिंगल चिन्ह और एनोड कैथोड के लिए डबल चिन्ह यानी पैरेलल चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला हमारा पॉइंट है गैसीय इलेक्ट्रोड गैसीय इलेक्ट्रोड के साथ प्लैटिनम का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए हमें H2 लिखना है तो इसके साथ हम लोग प्लैटिनम जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, प्लैटिनम ही क्यों जोड़ेंगे, इसके पीछे कुछ रीजन है। प्लैटिनम एक इनर्ट मेटल है यानी अक्रिय धातु, जल्दी किसी रिएक्शन नहीं करता। इसके जगह पर यदि हम लोग दूसरे किसी मेटल का प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रोड के रूप में
तो ऐसी अवस्था में हो सकता है कि वो अलग से अपना सेल बना ले। प्लेटिनम चूंकि इनर्ट मेटल है और यही कारण है कि बहुत जल्द ये रिएक्शन में भाग नहीं लेता, और यही कारण है कि प्लेटिनम का यहाँ हम लोग प्रयोग करते हैं। पीटी इज यूज विथ गैसियस इलेक्ट्रोड। अगला पॉइंट है कि गैस के दाब को एटीएम में और विलयन के सांद्रण को मोलरता में व्यक्त किया जाता है। गैस के दाब को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रूप में व्यक्त करते हैं और विलयन के कंसंट्रेशन ही सांद्रण को मोलरता में। दी प्रेशर ऑफ गैसियस इलेक्ट्रोड इज रिप्रेजेंटेड इन एटीएम एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इन मोलारिटी। मोलारिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। प्रति लीटर जो विलयन है उसमें विलय के मोलों की जो संख्या होती है, जो मात्रा होती है विलय के मोलों की, जो मात्रा होती है उसे हम लोग मोलारिटी यानी मोलरता कहते हैं। तो सांद्रण को हम लोग व्यक्त करेंगे मोलरता में और गैस के दाब को व्यक्त करेंगे एटमोस्फेरिक प्रेशर के रूप में, एटीएम के रूप में। ऐसा हम लोगों का जो गैस सेल का रिप्रेजेंटेशन है इसका नियम कहता है। अब एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि सेल के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग किस प्रकार दर्शाते हैं। एक हम लोग के पास एग्जाम्पल है, जेडन ने दिया जेडन 2+ +2e- U2+2 इलेक्ट्रॉन लेकर के दिया Cu, माने दो हाफ सेल रिएक्शन हमारे पास हैं और हमें सेल को रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, हम लोग आते हैं एग्जाम्पल्स में। मैंने इस तरह का कोई क्वेश्चन दे दिया और हमें उस सेल का रिप्रेजेंटेशन करना हो तो क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल यानी सेल का निरूपण। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एनोड के रूप में किसका इस्तेमाल करेंगे और कैथोड के रूप में किसका। जहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उसे ऑक्सीकरण करते हैं और वो एनोड की तरह कार्य करता है। और यहाँ पर रिएक्शन में हम लोग सेल के रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे किसने क्या चीज का निर्माण किया। जेडन ने दिया जेडन 2+, तो मेटल और उसके आयन को हम लोग एक सिंगल चेन से अलग करेंगे। फिर ये हो गया एनोड, एनोड को हमेशा बाई ओर लिखेंगे। कैथोड को इस पैरेलल चीज के दाई ओर लिखना है और यहाँ जो रिएक्शन है इसके अनुसार Cu2+ ने Cu का निर्माण किया तो हम लोग लिखेंगे Cu2+/Cu। तो जेडन ने जेडन 2+ का निर्माण किया तो जेडन अब्लिक जेडन 2+, और Cu2+ ने Cu का निर्माण किया तो Cu2+/Cu। तो पैरेलल चेन के बाईं ओर एनोड और दाईं ओर कैथोड। एनोड कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ। कैथोड कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति हुई। तो जो हमारा सेल है इसका रिप्रेजेंटेशन है। और यहाँ पर हमें कंसंट्रेशन पता नहीं है तो यहाँ हम लोग कोमा देकर या नीचे 1m का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो हमारा जनरल सेल है यह डेनियल सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल ही है। इसके जगह पर और दूसरे रिएक्शन भी हो सकते हैं, उसके आधार पर हम लोग सेल का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इसमें कोई भी गैसीय इलेक्ट्रोड नहीं है, न जिंक और न ही तांबा, यही कारण है कि यहाँ प्लैटिनम का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। तो इस रिएक्शन के आधार पर जो हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन होगा यह कुछ इसी प्रकार से होगा। यदि मान लिया जाए कि यही रिएक्शन कुछ हम लोगों को इस प्रकार से दे, Zn+Cu2+Zn2++Cu का दे सेल का रिप्रेजेंटेशन करना हो तो भी यही रिएक्शन के रिप्रेजेंटेशन होंगे, क्योंकि Zn ने दिया Zn2+, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन निकला, और Cu2+ ने दिया Cu, जाहिर सी बात है इसमें इलेक्ट्रॉन जुटा तो इसका चार्ज यहाँ पर शून्य हो गया। तो ऐसे केस में Zn ने Zn2+ दिया यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग किया इसलिए इसको हम लोग बाई ओर, और Cu2+ ने Cu दिया इसलिए इसको हम लोग दाई ओर, क्योंकि हमेशा एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर अवकरण होता है। एक अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं, Zn ने दिया Zn2+ +2e- Ag+ +2e- 2Ag। इस रिएक्शन के आधार पर हमें सेल का रिप्रेजेंटेशन करना है। हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है और जहां त्याग हो रहा है उसको बाई ओर, तो पैरेलल चेन के बाई ओर। मेटल और उसके आयन को हम लोग सिंगल चेन से अलग करेंगे
या कंसंट्रेशन है, या वन एम का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। एजी प्लस ने दिया एजी, एजी प्लस ने दिया एजी, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, इसलिए अवकर्ण हो रहा है और एक कैथोड का कार्य करता है, और कैथोड को हमेशा दाई ओर लिखेंगे। तो हमारा सेल कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर भी हम लोग चूंकि कंसंट्रेशन नहीं पता है, वन एम का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल हुआ इस सेल रिएक्शन के आधार पर, जो दोनों हाफ सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगला हमारा उदाहरण है, जेडे ने दिया जेडे टू प्लस प्लस टू ई माइनस, टू एच प्लस प्लस टू ई माइनस, एच टू गैस का निर्माण करता है। अब इस दोनों जो हाफ सेल रिएक्शन है, इसके आधार पर हमें सेल का रिप्रेजेंटेशन करना है। तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से करेंगे। जेडे ने दिया जेडे टू प्लस, तो मेटल उसके आयन को हम लोग एक सिंगल चिन्ह से अलग करेंगे, मैंने और एनोड का कार्य किया, चूंकि इलेक्ट्रॉन निकला इसे इसको दोनों पैरेलल चिन्ह के बाईं ओर रखेंगे। दाईं ओर है H प्लस ने दिया H2, तो H प्लस ने दिया H2, H2 चूंकि गैस है तो गैस के साथ हम लोग प्लेटिनम जोड़ेंगे, ऐसा रूल कहता है, और गैस के दाब को हम लोग एटीएम में व्यक्त करेंगे और सांद्रण को मोलरता के रूप में। तो हमारे इस सेल के जो हाफ रिएक्शन है, इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से होगा। अर्थात जब सेल का हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन करना होता है, तो हम लोग एक जो मेन पॉइंट है उस पर ध्यान देते हैं। एनोड को हमेशा बाईं ओर, एनोड जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, कैथोड को हमेशा दाईं ओर, कैथोड जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है। यदि गैसीय इलेक्ट्रोड होता है उसके साथ प्लेटिनम जोड़ देते हैं, यदि नहीं है गैसीय इलेक्ट्रोड तो प्लेटिनम नहीं जोड़ेंगे, लेकिन यदि गैसीय इलेक्ट्रोड है तो प्लेटिनम जोड़ देते हैं। गैस के दाब को एटीएम में और बिलियन के सांद्रण को हम लोग मोलरता में व्यक्त करते हैं। यदि चैनल को आप अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।